नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब मैं आरसी संदीप आज ठंडी ठंडी हवा के बीच में हाजिर हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 141 लेकर के साथियों जब इस कहानी को शुरू किया था तब सोचा नहीं था कि इतने अंक हो जाएंगे लेकिन कहानी आप सब सुनते गए और हमारे तमाम साथी सुनाते गए और देखिए सफ़र अब 141 तक आ पहुंचा है और आपको मैं बताऊं बहुत खुशी की बात ये अच्छा तब लगता है जब हमारे एक वरिष्ठ साथी जयपुर से जो स्वयं एक बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं जिसके वो महासचिव हैं आदरणीय जितेंद्र भार्गव सर पिछले दिनों उनसे बात हुई तो उन्होंने बताई एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कि अभी इस लॉकडाउन का सदुपयोग सदुपयोग करते हुए उन्होंने ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी को सुन डाला अब बताइए वो स्वयं इतना बड़ा संगठन चलाते हैं वे स्वयं इतने काम कर रहे हैं बावजूद इसके न जाने सर को क्या लगा लेकिन सर ने इन कहानियों को सुन करके उनका सुनना ही हम सब के लिए आशीर्वाद स्वरूप है और उनका ये आशीर्वाद हमें मिला तो इस तरह की बातें जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों बहुत खुशी होती है इसीलिए मैं कहता हूं कि माना कि ये कहानियां बहुत मनोरंजक ना हो माना कि ये कहाना कहानियां बहुत मसालेदार ना हो माना कि इन कहानियों में शायद प्रॉपर कहानी कहानी के तरीके से नहीं कही गई हो लेकिन फिर भी ये कहानी सार्वजनिक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और खासकर वर्तमान परिस्थितियों में जब आप तकनीक के सहारे ही कुछ भी कर सकते हैं अब दौर तकनीक का है यह हम सब जानते हैं बहरहाल अक्सर दोस्तों आप और हम ये सुनते हैं पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है मेरे मामले में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सबको होता होगा कि ये ज़िंदगी भी गोल है जिस कहानी के सिरे को हम कई साल पहले छोड़ देते हैं जिस घटना को हम भूलने की कोशिश करते हैं जिस सपने को हम भूलना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रह रह करके वो परिस्थितियाँ हमारे सामने आती रहती हैं। चलिए आते हैं आज की कहानी पर कैसे तो दोस्तों 140वें अंक में मैंने बात की थी कि एक फोन कॉल आया जयपुर से और उस फोन कॉल में पुराना एक जो ख्वाब था वो पूरा होता हुआ नजर आया तो हाँ करने और ना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था हाँ तो करनी ही थी तो का फोन था दोस्तों हमारे मित्र जिनको आप पहले भी जिनका जिक्र सुन चुके हैं सुनील संगतानी का जयपुर से श्रीमान सुनील जी के बारे में मैं जब कहानी आपको बता रहा था एक वर्ष का जन्मदिन मनाया था हमने और वहाँ पे उन्होंने मोमेंटोस की व्यवस्था की थी तो सुनील जी से इतना परिचय है मेरा मतलब बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है लेकिन हाँ इतना परिचय है और ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर बात होती हो कभी साल में एक आध बार बात हो जाए तो हो जाए वो भी किसी न किसी तकनीक के मामले में ही बात होती है बाकी वैसे नहीं तो मुश्किल से अभी तक हमारी पिछले पाँच साल में पाँच बार बात हुई होगी तो ये कहानी है तो सुनील भाई का फ़ोन आया सुनील जी ने कहा यार कि वो दिल्ली में जॉर्ज साहब के कोई मित्र हैं जो कि कुछ शूटिंग वूटिंग करना चाहते हैं और वो अजमेर में करना चाहते हैं तो उनको अजमेर की लोकेशन पे काम करना है और मैंने आपका कांटेक्ट दिया है अजमेर में चूंकि आप सबके संपर्क में हैं और शायद उनकी कुछ मदद कर पाएँ तो फिल्म और शूटिंग और ये सब जब नाम सुना तो बस ऐसे ही लगा मुझे तो कि आ, मतलब सातवें आसमान पर अपने आप को समझने लगा मैं तो मैंने सुनील भाई को कहा कि हाँ सुनील भाई कोई दिक्कत नहीं है आप नंबर आपने दे दिया अच्छी बात है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा लेकिन तब तक तो कुछ पता नहीं था होने वाला क्या है तो क्या होता है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो आपको कुछ काम संकेतों में भी करने पड़ते हैं कुछ काम आपको इस तरह के भी होते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो लेकिन उसकी चर्चा जरूर हो तो दो तीन दिन बाद सुनील भाई के फ़ोन आने के बाद मुझे दिल्ली से फ़ोन आता एक नीरज जी का नीरज नाम था उनका जो डायरेक्टर थे और नीरज जी ने कहा भाई हम अजमेर में करना चाहते हैं शूटिंग आ, कुछ शूट करना चाहते हैं एक शॉर्ट फिल्म है एक मतलब डॉक्यूमेंट्री यस उन्होंने कहा एक डॉक्यूमेंट्री है तो मैंने कहा यार चलो डॉक्यूमेंट्री भी होती तो फिल्म जैसी है इसमें क्या दिक्कत है अब इन चीज़ों के बारे में मतलब दिमाग में कौतूहल बहुत था लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं था तो मैंने सर को कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या चाहिए बताइए उन्होंने कहा यार हमें पांच लोग चाहिए जो दृष्टिबाधित हो मैंने कहा हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है तो ये उन्होंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री है हम लोग बना रहे हैं और मैं आपके संपर्क में रहूँगा तो जो भी कुछ होगा वो आपको मैं कैसे मतलब मेल करूं क्या करूं मैंने कहा कर, नहीं व्हाट्सअप करिए सर मुझे तो व्हाट्सअप ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आ, कुछ डायलॉग्स भेजे उन्होंने मुझे मतलब ये सिलसिला चलता रहा बातचीत का जुलाई समाप्त हो गया अगस्त आ गया बातचीत का सिलसिला उनसे चलता रहा और उन्होंने कुछ डायलॉग्स भेजे उनको डायलॉग्स को मैंने मतलब पढ़ा समझा लेकिन फिर भी दिमाग में मतलब कहानी समझ में नहीं आ रही थी वो लग रहा था यार मतलब ठीक है करना है कुछ भी हो जाए चाहे दिमाग में यही था बस करना है और मैंने फिर मेरे अलावा चार और साथियों से बात की तो उनमें से एक अली भी थे अब मेरे जहन में यह भी था कि भाई उदयपुर का कार्यक्रम करना है आ, अली अजमेर आना जाना अगर अली का रहता है तो अली से बातचीत भी हो जाएगी और कुछ काम वाम भी अगर उनको बताना हो उनके साथ बैठ कर के चर्चाएँ भी करनी हो तो वो भी की जा सकती हैं और जो अक्सर आप देखते हैं भानु उनको भी मैंने साथ में लिया और दो और हमारे वरिष्ठ साथी थे तो अब वो साहब आखिरकार बातचीत करते 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 सब कुछ करते करते शूटिंग जो है वो एक, एक दिन ऐसा आ गया कि छः सात आठ नवंबर 2017 को शूटिंग होनी है साहब अजमेर में बाकायदा पूरी की पूरी यूनिट आई कैमरा मैन और आ, मतलब वो क्या बोलते हैं मेकअप मैन और पता नहीं क्या क्या मतलब उनके साथ असिस्टेंट भी एक बड़ी अच्छी सी लड़की थी मतलब उत्तराखंड की हिमांशी नाम था उनका तो इस तरीके से ये तारीख तय हो गई छः सात आठ नवंबर 2017 जब शूटिंग कर रहे थे तो हमारी लोकेशन होती थी दो जगह की एक तो दरगाह और एक थी होटल कंट्रीन जिसको कि आजकल अजमेर में रमा होटल रमाडा के नाम से जानते हैं और ये सच्चाई कभी हमारे सामने आई नहीं कि ये कहानी है क्या मतलब उस समय तक नहीं आई जब तक तो पूरी शूटिंग हुई तो शूटिंग हो गई और अली का रोल भी हो गया सबका रोल भी हो गया वो करीबन दो ढाई मिनट की फिल्म भी शूट हो गई दरअसल वो डॉक्यूमेंट्री वॉक्यूमेंट्री कुछ भी नहीं थी कि एड फिल्म थी और कैमरा फेस करना माइक्रोफोन को मतलब माइक वाइक को अपनी बॉडी पर लगाना और वो एक अनुभव था बस जो अनुभव मिल गया ट्राईपॉड मतलब वो जो आ, लाइट कैमरा एक्शन वाली फीलिंग जो होती है वो आ, लेना ये मेरा बहुत पुराना सपना था तो यहाँ पर अजमेर में भी जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था रूम लेके जब रहता था तो एक बार पता नहीं राजस्थान पत्रिका ने कुछ ऐसा टैलेंट इवेंट करवाया था जिस तरह मैं इस तरह की कोई सर्चिंग कर रहे थे तो मैंने वो भी उसका भी फॉर्म अप्लाई कर दिया था लेकिन जिस दिन वो ऑडिशन होना था उस दिन मैं जा नहीं पाया किसी कारण से मतलब कहने का मतलब मेरा बहुत पहले से ये एक मन में था यार मैं बॉलीवुड में जाऊँ मुंबई जाऊँ ये करूँ वो करूँ मुझे मतलब पता नहीं क्यों फैसिनेटिंग बड़ी वो लाइफ बड़ी मतलब ऐसा लगता था वो चीज़ बहुत आकर्षित करती थी और आपको मैं इसका और एक उदाहरण देता हूँ ये केवल एक साथी से मैंने साझा की ये बात हमारे रिकॉर्डिंग क्लब में आ, लेकिन और किसी को नहीं पता या तो मेरे घर पे पता है या उन साथी को पता है और एक आध और किसी को पता हो तो हो बाकी किसी को नहीं बताया मैंने अभी पिछले साल नवंबर की बात है दोस्तों ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रहा था और यूट्यूब पर मुकेश खन्ना जी का जो चैनल है भीष्म इंटरनेशनल के नाम से मैं उसको देख रहा था अब हाँ देखते देखते पता नहीं मुझे मैं जब वीडियो अच्छा उन दिनों में वो विवाद भी चल रहा था एक वो द कपिल शर्मा शो और जो महाभारत की टीम वहाँ गई और ये सब तो उन बड़ा मज़ा आ रहा था उनके वीडियोज़ को देखने में उधर से मुकेश खन्ना जी कुछ कहते उधर से वो आपके युधिष्ठिर जी यानी गजेंद्र सिंह जी कुछ कहते तो वे वे बड़ा वो बड़ा एक मज़ा आ रहा था मतलब समझ सुनने में समझने में तो मैं उनके वीडियोस खंगाल रहा था मतलब देख रहा था तो वहाँ पे मुझे एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें मोबाइल नंबर वग़ैरह थे और उसमें ये एडवर्टाइजमेंट था कि भाई हम चार महीने का एक कोर्स करवा रहे हैं आ, मतलब एक्टिंग का और आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं यही नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट कर मैंने भाई साहब कॉन्टेक्ट कर लिया उस पर ये अभी नवंबर 2020 की बात बता रहा हूँ आपको मैं लेटेस्ट तो एक सेकेंड मुझे थोड़ा याद करना पड़ेगा नवंबर 2020 की बात है कि नहीं सॉरी नवंबर 2019 की बात है दोस्तों ये मैंने कहा ना कि कुछ गड़बड़ हो रही है ये नवंबर 2019 की बात है क्योंकि तब तो कोविड ओविड का कुछ अता पता नहीं था ना तो आ, हुआ ये कि उन पे कांटेक्ट किया मैंने उन नंबरों पे। तो वहाँ से उनकी टीम ने मुझे वापस कॉल का है वहाँ से मेरा जब मैंने कॉल किया तो अटेंड नहीं किया कि हाँ सर बोलिए मैंने कहा सर वो एक्टिव एक्टिंग का कुछ दिया था यूट्यूब पे अच्छा 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 आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं हाँ ठीक है हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं और आ, मैं आपको उसका पूरा डिटेल भेज देता हूँ व्हाट्सअप कर दें आपको मैंने कहाँ कर दीजिए इसी नंबर उन्होंने व्हाट्सअप किया मैंने देखा सारा डिटेल्स वगैरह पढ़ा चार महीने का ये है वो है इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है इतनी फ़ीस है उसमें लिखा हुआ था एक लाख बीस हज़ार फीस है लेकिन अभी फिफ्टी परसेंट ऑफ है साठ हज़ार में काम हो जाएगा आप समझिएगा बात को जरा मैं जो कहने जा रहा हूँ वो तो कहा कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ा मैंने कहा यार सर सारी बातें आपकी ठीक है मुझे सारी शर्तें वर्तें सब मंजूर हैं लेकिन एक बात बताइए मैं तो ब्लाइंड हूँ मैं देख नहीं सकता हूँ तो वो वो हक्के बक्के रह गए तो सर आप कैसे फिर ये फ़ोन वोन व्हाट्सअप वाट्सअप मैंने कहा ये सब छोड़िए सर ये तो बहुत छोटी बातें ये तो कोई बड़ी बात नहीं है आप तो ये बताइए मुझे कि मेरी क्या मदद कर पाएंगे अगर मैं वहाँ आता हूँ तो कि सर इसके लिए तो हमें सर से बात करनी पड़ेगी मैंने कहा सर मतलब आप मुकेश सर के बारे में कह रहे हैं उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा ठीक है बात कीजिए बात की उन्होंने दूसरे दिन मेरे पास कॉल आया कि सर तो बड़े खुश हैं सर को अच्छा लगा पता नहीं भगवान जाने उन्होंने बात की नहीं की लेकिन वो उनके एम्प्लॉई थे तो झूठ क्यों बोलेंगे कि सर ने कहा भाई कोई ब्लाइंड वैसे तो हमने कभी किसी को सिखाया नहीं आज तक अगर लेकिन कोई ब्लाइंड अगर हमारे पास आते हैं तो ये तो हमारे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा नया अनुभव होगा हमारे लिए भी तो आना चाहिए आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे में उन्होंने यस कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि सर ने आपकी फ़ीस भी माफ़ कर दी है और सर ने कहा केवल टेन थाउजेंड आपके लगेंगे और वो भी आपको जब आप यहाँ से कोर्स करके जाएंगे तो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे अब सर आप सोच करके बता दीजिएगा कि आपको ये फॉर्म है अप्लाई करना है नहीं करना है लेकिन अब ये सब कहानी तो मस्ती मज़ाक में चल रही थी दोस्तों लेकिन सच्चाई है आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब में फैमिली और इस तरह से मैं परिवार को छोड़ करके क्या कहीं जा सकता था कतई नहीं जा सकता था है ना तो ऐसे में हुआ ये कि आप, वो इरादा छोड़ना पड़ा मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया दिन निकल गए समय बीत गया और पता नहीं उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ ये तो ईश्वर जाने अब जो मैंने शुरू शुरू में कहा था कि जिंदगी भी कभी कभी लगता है हमें गोल है यहां पे मैंने जिक्र किया मुकेश खन्ना जी का बात हो रही है आ, फिल्म लाइन के प्रति आकर्षण की अभी हमारे पा, बेमिसाल पांच साल कार्यक्रम में हमने अंतिम दिन समारोह समापन समारोह के दिन ज्ञानम गंगा के फाउंडर श्रीमान राजेश शुक्ला सर को इनवाइट किया था और उनके परिचय में हमारे मित्र शिव भाई ने एक बात कही कि भाई मुकेश खन्ना जी से भी इनका डायरेक्ट परिचय है बताइए अब अगर ये उस समय मुझे पता होता तो हो सकता है कि मैं शुक्ला जी सर के माध्यम से कुछ और बातचीत करने की कोशिश करता कुछ और परिचय निकलता और मतलब कहानी पता नहीं क्या होता आगे बढ़ती नहीं बढ़ती कुल ना कि मेरा काम आसान हो जाता लेकिन ये सब बातें हैं दोस्तों बातों का क्या है हुआ कुछ भी नहीं इनमें से बहरहाल वो फ़िल्म शूट हुई और वो यूट्यूब पर और जहाँ भी लॉन्च करनी थी लॉन्च कर दी गई और उसके बाद में जब वो लॉन्च हुई तब हमें असली कहानी समझ में आई कि साहब ये तो जो होटल कंट्री इन है इसका नाम बदल करके अब होटल रमाडा हो गया मतलब या तो होटल रमाडा जो है उसने अधिग्रहण कर लिया है इसका और उन्होंने जब अधिग्रहण किया तो अजमेर की जो खूबियां हैं या खासियतें हैं उसके हिसाब से और खासकर दिव्यांग साथियों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक एड फिल्म शूट कराई है साहब अब वही बात है कि फिल्म तो फिल्म है लेकिन हम तो किसी और ही दुनिया में थे लेकिन वो एड फिल्म निकली और शूटिंग भी हो गई वो मतलब चले भी गए उसके बाद कोई संपर्क भी नहीं हुआ और अच्छा बुरा जो भी अनुभव था वो वहीं का वहीं ख़त्म हो गया तीन दिन छः सात आठ नवंबर को तो ये कहानी थी दोस्तों इस फिल्म वाले अनुभव की लेकिन अब यहाँ से चूँकि अली के साथ लगातार बातचीत लगातार जो भी कुछ हम तैयारियों के लिए कर सकते थे वो सब कुछ किया जा रहा था और ऐसे में और कोई इस बीच में ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना मुझे याद नहीं आती लेकिन इतना याद आता है कि ये पहला कन्वेंशन था मतलब वैसे दूसरा कन्वेंशन था लेकिन पहली बार इस कन्वेंशन के लिए हमने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया कन्वेंशन की तैयारियों के हिसाब से उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो बड़े अच्छे बुरे अनुभव होते थे कई सारे सुझाव आते थे कई नहीं आते थे उस समय हमारे स्वर्गीय श्री ललित सोनी जी भी बड़े सक्रिय थे तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता था अरे यार क्या आ, मतलब काम चुपचाप हो जाने चाहिए जो भी होने हो ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हैं तो परिस्थितियाँ भी ज़्यादा आ, मतलब विचित्र हो जाती हैं तो ये सब अनुभव रहे लेकिन मैं अक्टूबर महीने में अपने गांव गया हुआ था और तब एक दिन कॉल आता है अली का कि सर आप यहाँ आए हुए हो तो उदयपुर आ जाओ और जहाँ हमारा कार्यक्रम होना है वो लोकेशन देख लीजिए और बता दीजिएगा कि भाई वो ठीक है या नहीं है तो अब दोस्तों मैं उदयपुर भी गया उस बिल्डिंग को भी देखा लेकिन जो देखा वो हुआ नहीं और जो हुआ उसका पता नहीं तो ये सब लेकिन आने वाले एपिसोड में आज तो बस इतना ही कहानी सुनते रहिए रिकॉर्डिंग क्लब के साथ मैंने अंतिम यानी एक सौ भाग में आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बने रहिएगा तो आप सबका भरपूर साथ मिला पाँच साल बेमिसाल कार्यक्रम में इसके लिए मैं और हमारी पूरी टीम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों और कहीं भी लगे आपको रोकना टोकना ठोकना इवन पड़े तो ज़रूर उसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है हम सब आप सबकी सलाह से ही आगे काम करना चाहते हैं और देखिए संगठन मैं कहता हूँ कि संगठन वो नहीं जो रातों रात कुछ बड़ा हो जाए संगठन संगठन वो नहीं जो कुछ ऐसा कर जाए जो शायद किसी के लिए असंभव हो लेकिन संगठन वो हो होता है जो अपने कदमों के निशान छोड़ जाए संगठन वो होता है जिसको देख करके लोग सीखें जिसको देख करके लोग प्रभावित हों जिसके जैसे कार्य करने लगे और इन दिनों में यही सब हो रहा है जिस तरह से अभी हमने बेमिसाल पांच साल कार्यक्रम किया कई लोग इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कई संगठन इस तरह से आगे आ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है अगर तकनीक का उपयोग करके और आज के इस दौर में अगर रिकॉर्डिंग क्लब किसी तरीके से प्रेरक बनने का काम कर सकता है तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है लेकिन किसी से न तो कोई गिला है न कोई शिकवा है और बस अपना काम करना है जो सोचा है वो करना है और अभी मिलो हमें चलना है बहुत बहुत धन्यवाद